हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी नन्हे शिशुओं को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर होती है और इसी वजह से बार बार मौसम बदलने की वजह से उनके शरीर को सर्दी और जुकाम जकड़ लेता है। लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, इसीलिए हम उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई भी नहीं दे सकते, इसीलिए हमारे पास घरेलू उपचारों को होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते है मेरी आज की इस वीडियो के थ्रू कि नन्हे शिशुओं को जब भी सर्दी जुकाम होता है तो आप कौन से घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है शहद और नींबू। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आपके बच्चे 6 महीने से बड़े हैं, तब ही आप अपने बच्चों को शहद का प्रयोग करवाएं। शहद के अंदर नींबू मिलाकर बच्चे को चटाने से सर्दी जुकाम में काफी ज्यादा राहत मिलती है और ये शरीर के अंदर से कफ को बाहर निकालने में मददगार होता है। टिप नंबर 2 है हल्दी। अगर आपका शिशु दूध पीता है तो आप उसे दूध पिलाते वक्त अपने स्तनों पर हल्की सी हल्दी लगा लीजिए। हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं और इसी के साथ साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी होते हैं, जो सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। जब भी आप अपने स्तनों पर हल्दी लगाएंगे और आपका बच्चा स्तनपान करेगा तो वह हल्दी दूध के साथ उसके अंदर जाएगी, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम काफी हद तक ठीक हो जाएगा। टिप नंबर 3 है तेल मालिश। गरम तेल से बच्चे की छाती पर मालिश करिए, उसके हाथ पैरों पर मालिश करिए। ऐसा करने से न केवल बच्चे की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, बल्कि उसके शरीर से कफ, खांसी, जुकाम ये सारी बीमारियां दूर करने में भी काफी मददगार होती हैं। सो दोस्तों, ये है कुछ आसान से घरेलू उपाय जो आपके बच्चों के शरीर से बुखार और कफ को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।